आज प्रधानमंत्री जी को लोकसभा के चुनाव के पश्चात नई सरकार की जिम्मेवारी संभालने के बाद पहली बार आधिकारिक रूप से मिलना हुआ। हमने प्रधानमंत्री जी को बधाई दी, शुभकामनाएं दी, अगला कार्यकाल और बेहतर हो, और उसके पश्चात पूरे देश पर, पूरे हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी ने कुछ विषयों पर बातचीत की चुनाव के दिनों और चुनाव के बाद। और उसके साथ साथ मुझे इस बात की खुशी भी है कि बहुत सारी चीज़ें मार्गदर्शन के रूप में हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में कही। एक इन्वेस्टर्स मीट, वो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हम आने वाले समय में करने जा रहे हैं धर्मशाला, उसका विधिवत जो है ऑफिशियल जो निमंत्रण देने के लिए मिला गया वो दिया, निमंत्रण दिया, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं हर संभव प्रयास करूँगा। सर, इन्वेस्टर मीट के लिए आप विदेश भी जा रहे हैं, क्या कार्यक्रम रहेगा, कहाँ कहाँ जाएंगे? अभी हमने तय किया है कि जर्मनी और नीदरलैंड वहाँ जाएंगे, बाद में एक हमारा दुबई जाने का भी कार्यक्रम है। और उस दृष्टि से मैं मानता हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में हम हिमाचल प्रदेश की नया काम जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए एक अच्छी एक उनको आगे गति मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ देश भर के बहुत सारे इन्वेस्टर्स, हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ शांति है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, पर्यावरण बहुत अच्छा है, यहाँ लोग आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, और ऐसे प्रदेश में आकर के इन्वेस्टमेंट करें, उसके लिए मैं अपनी ओर से प्रयास करूँ। प्रधानमंत्री से सर जब आप मिले तो आपने हिमाचली टोपी और शॉल भी उनको दी, वो भी तस्वीर नज़र आ रही है उसके बारे में? निश्चित रूप से हिमाचल में जब आते हैं हमारे अतिथि के रूप में कोई भी आता है तो हिमाचली टोपी और शॉल देने का हमारा रिवाज है, और यहाँ सरसों को हमने यहाँ पर भी पूरा किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल की टोपी को बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं, विदेश जाते हैं तो भी हिमाचल की टोपी, इसराइल गए तो हिमाचल की टोपी पहन करके गए। अभी चुनाव के बाद बद्रीनाथ जाना हुआ तो वहाँ पर भी हिमाचल की टोपी पहन करके गए। हिमाचल से बहुत नज़दीकी का लगाव, बहुत ज़्यादा उनका संबंध, बहुत बड़ा कोई कनेक्ट है, और क्योंकि हिमाचल प्रदेश पर वर्षों तक काम किए हैं, वर्षों तक वहाँ, और हमसे भी बेहतर बहुत सारी चीज़ों को हिमाचल के संदर्भ में जानते हैं। केंद्रीय कुछ और केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कल भी अभी, हाँ कुछ और मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। अभी तो बधाई का ये दौर है और उसके बाद जो है कामकाज के संदर्भ में अमित शाह से भी सब मिलेंगे हम, खुश।